The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what should you keep at home in your first aid kit? Aapke ghar mein, aapke ghar ke andar जो मेडिकल किट है भाई, आपके घर के अंदर का जो अस्पताल है जिसको हम कहेंगे, उसमें आपके कौन से फर्स्ट एड की चीजें होनी चाहिए, बहुत जरूरी जानकारी आज आपको देने जा रहे हैं हम। सो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बात सुनिएगा। पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि घर के अंदर फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, क्योंकि माइनर एक्सीडेंट्स, माइनर इंजरीज दुनिया भर में होती रहती है और ये सार्वजनिक है। चाहे आप घर में रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, आज के डेट में आपके घर में फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। सेकंड नंबर की बात है कि फर्स्ट एड किट जो है वो अच्छी जगह पे तालाबंद होनी चाहिए, ये ना हो कि बच्चे निकाल निकाल के खेल रहे हैं उससे, राइट? सो बच्चों को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उसमें दवाएं भी हैं और दैट इज नॉट गुड। उसको एक ठंडी और ड्राई जगह पे रखना है, आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन। ऑल्सो फर्स्ट एड किट जो है कई लोग अपनी गाड़ियों में भी रखते हैं, जो भी एक अच्छी बात है। सो एक बेसिक फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए? नंबर एक, एक बेसिक फर्स्ट एड किट में पट्टी होनी चाहिए, प्लास्टर, बैंडेज, बैंडेजेस होनी चाहिए, प्लास्टर, बेसिकली डिफरेंट साइज के, दो तीन टाइप के, बिकॉज यू डोंट नो आपको कहाँ कौसी चोट लग जाए और आपको बैंडेज करना पड़े। सेकंड, बैंडेज जो होती है वो स्टराइल नहीं होती है। सो जब भी कभी ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग के ऊपर लगाई जाती है, या घाव होता है, घाव के ऊपर लगाया जाता है एक स्टराइल गॉज। वो गॉज भी बेसिकली बैंडेज का टुकड़े होते हैं जिसके बीच में वो स्टरलाइज्ड होते हैं। तो स्टरलाइज्ड गॉज ड्रेसिंग होनी चाहिए, उसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज की स्टराइल ड्रेसिंग होनी चाहिए। सो क्या हो गया, गॉज हो गया और वो हो गया। उसके बाद में कायदे से आई की, आँख की ड्रेसिंग भी आती है, तो गोल शेप की आई की ड्रेसिंग आती है, वो भी होनी चाहिए स्टराइल ड्रेसिंग, तो गाड़ी में चलते कभी कुछ होए पता ना चलता। उसके बाद में बैंडेजेस होनी चाहिए, उसमें क्रेप बैंडेज होनी चाहिए, कुछ एक ट्रायंगुलर बैंडेज आती है वो भी होनी चाहिए, सेफ्टी पिन होनी चाहिए, सेफ्टी पिन होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, डिस्पोजेबल सर्जिकल ग्लव्स होने चाहिए, ट्वीजर होने चाहिए, पता नहीं कब कहाँ से कुछ निकालना पड़ जाए, कुछ घुस जाए, काटा कुछ कांच वो ट्वीजर से पकड़ के निकालना पड़ सकता है, सीजर होने चाहिए, बैंडेज काटना पड़े, ये काटना पड़े, राइट? और वाइप्स होने चाहिए, क्लेंजिंग वाइप्स होने चाहिए, अल्कोहल फ्री वाले, और टेप होने चाहिए, स्टिकी टेप होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, प्रेफरेबली डिजिटल, स्किन रैश क्रीम होनी चाहिए, स्किन रैश क्रीम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये, जैसे कि उसमें आ सकता है हाइड्रोकॉर्टिसोन की स्किन रैश क्रीम या फिर कैलेंडुला की। इंसेक्ट बाइट के लिए क्रीम या स्प्रे होना चाहिए, कभी बाहर जाते हैं गाड़ी में होना चाहिए, इंसेक्ट बाइट कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, उसके लिए क्रीम या स्प्रे होता है रिलीव करने के लिए स्टिंग को और बाइट को। एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बीटाडीन या टी बैक नाम की जैसी। पेन किलर होना चाहिए, पैरासीटामोल, बच्चों के लिए पैरासीटामोल का सिरप, एस्पिरिन नहीं रखना है, एस्पिरिन नहीं रखना है, ब्रूफिन रख सकते हैं, वैसे एस्पिरिन भी रख सकते हैं, बट एस्पिरिन जो है बच्चों को नहीं देना 16 साल से नीचे, और एस्पिरिन से ब्लड थिन होता है वो ध्यान में रखना। ब्रूफिन, पैरासीटामोल रख सकते हैं, खांसी की दवा रखनी है, खांसी और एलर्जी की दवा रखनी है, एंटीहिस्टामिन, और डिस्टिल्ड वाटर रखना है, कभी कोई घाव हो जाए तो उसको साफ करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर इम्पॉर्टेंट है। आई वॉश होना चाहिए, एक आई वॉश करने के लिए कोई आई बाथ भी आते हैं अलग से, मान लो आँख में धूल जुट जाए, एकदम कुछ घुस जाए तो उसको वॉश करने पड़े, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट ये एक बेसिक हुआ। बेसिक फर्स्ट एड किट का मैनुअल भी आता है, ये बेसिक फर्स्ट एड किट का एक मैनुअल भी आता है जो आप रख सकते हैं कि भाई हाँ मेरे पास में मैनुअल है, और मैनुअल के हिसाब से हम पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ से कैसे इस्तेमाल करना है फर्स्ट एड किट का। और लास्ट बट बहुत ज़रूरी चीज़ है, फर्स्ट एड किट को
कि जो दवाएं हैं उसको रेगुलर चेक भी करना जरूरी है। स्प्लिंट भी रख सकते हो, साबुन भी रख सकते हो, ठीक है, स्प्लिंट, इलास्टिक बैंडेज है ना, साबुन यानी स्प्लिंट, क्यों, मान लो हड्डी वड्डी टूट गई तो उसको जोड़ के रखने के लिए वो रख सकते हो, बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं उसको, मतलब उसको सही रखने के लिए वो जरूरी है। और अगर मान लो आपको किसी प्रकार की कोई और बीमारी है, उल्टी की दवा, ट्रैवलिंग के लिए मोशन सिकनेस की दवा, ऐसी कई सारी दवाएं, कभी कभार मान लो फ्लैश लाइट, एक्स्ट्रा बैटरी, राइट, कभी कभी टूथ प्रिजर्वेशन किट, बहुत हजारों चीजें हैं, बट वो थोड़ी सी एडवांस हो गई, अभी तक जो बताया था वो बेसिक था। कैलामाइन लोशन रखो, उसमें एक मॉइस्चराइजर रखो, यू नेवर नो व्हेन यू नीड इट, राइट, और मैनुअल जो अगर है तो वो अच्छे से पढ़ो, बहुत बहुत ज़रूरी है ये बेसिक समझना कि एक फर्स्ट एड किट में ये सब होना चाहिए, और आपके घर में भी कायदे से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ कैसे काम आती है। सो दैट इज़ द बेसिक हेयर। सो आई होप आपको समझ गया हो कि फर्स्ट एड किट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या ज़रूरी है, राइट। सो उसमें सुपर ग्लू जैसी चीज़ें भी रख सकते हैं, रबर टॉर्निक्विट भी रख सकते हैं, मान लो कहीं से ब्लीडिंग हो रही है उसके ऊपर बांधने के लिए टॉर्निक्विट आता है वो भी रख सकते हैं, और कभी कभी कोई फिंगर स्प्लिंट रखता है एनिमिलियम की, वो भी रख सकते हैं, राइट। कोल्ड पैक भी आते हैं, इंस्टेंट कोल्ड पैक्स, कभी कभी एकदम ठंडा करने के लिए। सो देर आर थिंग्स विच आर अवेलेबल विच कैन बी केप्ट इन विच कैन बी एडेड इन द फर्स्ट एड किट इन एडिशन विच कैन बी एडेड इन एडिशन टू वट एवर आई एम सेइंग। जैसे कोई पेट्रोलियम जेली रख लो, कोई डक्ट टेप रख लो, कोई हैंड सैनिटाइजर रख लो, बहुत ज़रूरी हैंड सैनिटाइजर हो गया अब तो, और इसके अलावा और क्या रखेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड रख लो धोने के लिए, फिर कभी एलोवेरा जेल रख लो, कोई लैक्सेटिव रख लो, मोशन नहीं आ रही बाहर निकल के, एंटी डायरिया मेडिसिन रख लो, एंटासिड रख लो, कफ की मेडिसिन रख लो, पर्सनल मेडिसिन मत भूलना भैया, शुगर बीपी जो भी है वो लेके जाना है, राइट। और जिनको एलर्जी है वो एपिनेफ्रिन का ऑटो इंजेक्टर पेन रख सकते हो, एपिनेफ्रिन का, जिनको किसी भी प्रकार की और कोई दिक्कत है वो अपनी 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 दवाई जरूर लेके जाए। सिंपल, ये है फर्स्ट एड किट। और सनस्क्रीन रख लो, इंसेक्ट रिपेलेंट रख लो, राइट, अपना और क्या रख सकते हो, बस इतना रखना है आपने, बहुत ज़रूरी, और अपने बच्चों से दूर रखना है, और बच्चों को अगर बीच में अच्छे बड़े हो गए बच्चे तो उनको जानकारी दे सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट। सो ये है बेसिक फर्स्ट एड किट, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस ऐड कर दिया हमने, इतना होना चाहिए आपके घरों में और आपके सारे सिचुएशन जिसको इस्तेमाल करना है आपने। सो सही लगा, अच्छा मतलब तो सही लगा, गलत क्या लगना है इसमें, सही है, और इसको शेयर जरूर करें और इसको लोगों को बताएं, राइट, और देखते रहिए, और कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, और स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।